बिहार लोजपा में वरी टूट हुई है। लोजपा नेता केशव सिंह के नेतृत्व में 200 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जेडीयू का दामन थाम लिया। पटना जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में इन नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सदस्यता दिलाई। जेडीयू की सदस्यता लेने वाले नेताओं में लोजपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता केशव सिंह के अलावा लोजपा के प्रदेश महासचिव दीनानाथ क्रांति, प्रदेश महासचिव रामनाथ रमन, लोजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता सहित 208 नेता शामिल थे। इस मौके पर केशव सिंह ने लोजपा चीफ चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इन नेताओं का पार्टी में आने पर स्वागत किया। आज पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। अब ये करते हैं केवल चिराग पासवान जी, आपको लोकतंत्र पार्टी में अब तक सबसे पहुंचाने वाला चुनाव मैदान में लोजपा को बढ़ाने का, यहाँ के गांव गांव कस्बा कस्बों में पहुंचाने का काम किए। इस मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी से पूर्व में आए हुए तीन तीन हमारे बड़े नेता बैठे हुए हैं, बलियाबी सिंह जी हैं, संजय सिंह जी हैं, महेश्वर हजारी जी हैं। हम लोग दिन रात खून और पसीना बहा करके खून और पसीना से इस पार्टी को जीतने का काम किया। लेकिन रामविलास पासवान जी के स्वर्गीय होकर जितना चिराग पासवान ने पार्टी को बर्बाद करने का काम किया, पूंजीपतियों को बिल्डर के हाथ में, भाग्याओं के हाथ में पार्टी को समर्थित कर संसदीय बोर्ड में शिक्षा डिग्री घोटाला करने वाला है, कोई मेगा घोटाला करने वाला है, कोई बिल्डर है तो कोई दारू का सप्लायर है। आप आज ये पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए हैं, तीन व्यक्ति को छोड़कर के सारे नॉन पॉलिटिकल लोगों को बनाए हैं। वैसे पार्टी में जिस दिन उन्होंने निर्णय किया कि हम एनडीए से बाहर होंगे, हमने उसी दिन दिल्ली में शपथ ले लिया कि आप एनडीए से बाहर हो। सब लोगों को राजनीति का अनुभव हो तो निश्चित रूप से साथियों आंदोलन के आने से जनता दलियों की ताकत और बढ़ेगी, हमारी पार्टी और मजबूत होगी। और इसलिए मिलन समारोह तो मिलन तो हर साइड होता है, सब लोगों को खुशी है और जहां से आप लोग आ रहे हैं वहां निश्चित रूप से चूंकि आप दूसरे हैं वहां कम हुआ। और मैं बात सुन रही कहना चाहूंगा कि आप जिस उम्मीद से इस पार्टी में आए हैं, पार्टी आपके मान सम्मान